दोस्तों ये है बॉलीवुड के महान हास्य अभिनेता कादर खान जी का घर, जो कि मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्थित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं मुंबई के सांता क्रूज इलाके में और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कादर खान जी का घर। दोस्तों कादर खान जी विलेन का रोल हो या तो कोई भी इमोशनल सीन हो, इतना ज़बरदस्त उनका उसमें अभिनय रहता था कि सभी लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कादर खान जी मुंबई में कहां पर रहते थे, उनका घर कैसा है और अभी उस घर में कौन कौन है, उनकी फैमिली में कौन कौन है। तो आपको उनके घर के साथ साथ उनके बायोग्राफी के बारे में भी हम आपको पूरा सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और ये भी बताएंगे कि उनका घर का एड्रेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी आना चाहते हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं और कादर खान जी के घर का वीडियो बनाते हैं और आपको उनके बारे में सब कुछ अच्छे से बताते भी हैं। दोस्तों फाइनली आज हम आ पहुँचे हैं सांता क्रूज इलाके में और अभी हम खड़े हैं कादर खान जी के बिल्डिंग के जस्ट सामने। ये जो आप लोग राजकमल नाम की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में कादर खान जी रहते थे। फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जब तक थे इस बिल्डिंग के सबसे फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। आप देख सकते हैं गेट के बगल में लिखा भी है राजकमल और वहाँ पर वाइट कलर से राजकमल लिख के नीचे 535 सांता क्रूज भी लिखा गया है। तो यहाँ पर सामने काफ़ी पेड़ पौधे हैं, इसकी वजह से आपको सही से इनकी बिल्डिंग दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गेट के अंदर देखिए कई सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कादर खान जी का ही घर था, उनके अलावा इसमें कई और सारे लोग रहते थे। दोस्तों आपको बता दें कादर खान जी के पास भारत और कनाडा दोनों जगह की नागरिकता थी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें कादर खान जी का घर देखना है। तो आप लोग ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे हमारे महान हास्य अभिनेता कादर खान जी रहा करते थे। अभी यहाँ पर कौन रहता है हम आपको सब कुछ बताएंगे, उनके बेटे के बारे में, उनकी पूरी फैमिली के बारे में, उनके नेटवर्थ के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो फिलहाल पहले आप लोग इस बिल्डिंग को देख सकते हैं कि उनकी ये बिल्डिंग कैसी थी जिसमें कादर खान जी रहा करते थे। यहाँ सामने आपको एक बहुत ही बड़ा आम और बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा होगा और ये जो बिल्डिंग है ये करीब 10-12 मंजिल की बिल्डिंग है और हर एक बिल्डिंग के खिड़कियों के पास आपको एसी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता कादर खान का बचपन बेहद ही मुश्किलों में बीता है। आपको बता दें कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। कादर खान के 3 भाई भी हैं जिनका नाम शम्स उर रहमान, फजल रहमान और हबीब उर रहमान है। आपको बता दें कि जब कादर खान जी का जन्म हुआ तो वो सिर्फ 1 साल के थे, तभी उनके माता पिता उन्हें लेकर भारत आ गए थे और यहाँ आकर उनका पूरा परिवार मुंबई के कमाठीपुरा में आकर रुका, जहाँ उन्होंने मुंबई की सबसे गंदी बस्ती में किराए पर उन्हें 2 छोटे कमरे मिले। कादर खान की पत्नी का नाम अजरा खान है और इनके 3 बच्चे हैं जिनका नाम है सरफराज, शहनवाज और कुद्दूस खान। उनका एक बेटा जो सरफराज खान है वो हिंदी फिल्म के अभिनेता हैं। कादर खान एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और संवाद लेखक हैं। लंबे समय में हिंदी फिल्मों से जुड़े रहे कादर खान के नाम करीब 300 से अधिक फिल्में हैं। फिल्मों में काम करने के साथ ही कादर खान ने कई फिल्मों का निर्देशन भी किया था। 90 के दशक से
बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक शानदार पहचान बनाई और अपनी कॉमेडी के किरदार से दर्शकों को खूब हंसाया भी है। कादर खान एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ कॉमेडियन, डायलॉग और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। दोस्तों, कादर खान जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका परिवार बहुत ही गरीब था, उन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। पिता काम करते थे लेकिन उतने पैसे नहीं मिल पाते थे जिससे खाने पीने का इंतजाम हो। तंग आकर उन्होंने कादर खान की मां को छोड़ दिया था और मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में अकेले रहना मुश्किल था, इसलिए रिश्तेदारों के दबाव में आकर कादर खान की मां ने दूसरी शादी कर ली। कादर खान के दूसरे पिता काम नहीं करते थे इसलिए घर की हालत और ख़राब हो गई। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कादर खान 8 साल के थे और शांति की तलाश में वो हर रोज़ कब्रिस्तान में जाकर घंटों बैठते थे। उन्हीं दिनों अभिनेता अशरफ खान अपने नाटक के लिए एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहे थे जो पढ़ा लिखा हो। कादर खान के बारे में जब उन्हें पता चला कि पढ़े लिखने वाला संजीदा लड़का है तो वो उनके पीछे कब्रिस्तान तक गए और उनसे पूछा कि क्या वो एक्टिंग करेंगे। कादर खान ने हाँ कर दिया और वहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हो गई। 1973 में आई फिल्म दाग से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। कादर खान ने हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा फिल्में अभिनेता गोविंदा, निर्देशक डेविड धवन के साथ की है और इसी के साथ साथ उन्होंने शक्ति कपूर और जॉनी लीवर जैसे महान कॉमेडियन और अभिनेता के साथ भी काम किया है और कादर खान की वजह से ही अमिताभ बच्चन फेमस हुए हैं। आपको बता दें, गोविंदा की फिल्म कूली नंबर 1, अजय देवगन की फिल्म हिम्मत वाला, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खून भरी मांग, कर्म, सल्तनत, आमिर खान की फिल्म सरफरोश और कई सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग खुद कादर खान ने ही लिखे हैं। कादर खान के माता का नाम इकबाल बेगम और पिता का नाम अब्दुल रहमान है। दोस्तों, अपने कॉमेडियन किरदार से सभी को हंसाने वाले कादर खान ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत एक म्यूनिसिपल स्कूल से की थी। उसके बाद उन्होंने इस्माइल कॉलेज से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। फिल्म जगत में आने से पहले वह एक कॉलेज में लेक्चरर थे। उन्होंने 1970 से लेकर 1975 तक मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। कादर खान जी के द्वारा कॉलेज में एक बार ड्रामा का काम करने के बाद दिलीप कुमार जी इतने उनसे प्रभावित हुए कि उन्होंने कादर खान जी को अपनी 2 फिल्में सगीना और बैराग के लिए साइन तुरंत ही कर लिया। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन की कई सफल फिल्मों में उन्होंने खुद ही डायलॉग और स्क्रिप्ट तैयार किए हैं। कादर खान जी के घर का एड्रेस हम आपको बता दें, 102 राजकमल सेकेंड, हंसाबाद लेन, सांता क्रूज वेस्ट, मुंबई 4000054। जी हाँ, ये है कादर खान जी के घर का एड्रेस जहाँ पर वो सांता क्रूज में रहते थे। कादर खान जी ने 70 से लेकर 90 दशक के करीब हर बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। वहीं बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बनाने का पूरा श्रेय भी कादर खान जी को ही जाता है। अगर वह सहनशाह जैसी फिल्म के डायलॉग न लिखते तो शायद आज अमिताभ बच्चन इतने हिट ना होते। अगर वहीं पर कादर खान जी के नेटवर्थ की बात करें तो इनके पास करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। ये संपत्ति उन्होंने फिल्मों से कमाई थी और विज्ञापनों के जरिए कमाई थी। कादर खान जी का परिवार नीदरलैंड और कनाडा में रहता है और आपको बता दें, जो इनके बेटे हैं, अभिनेता हैं, वो अक्सर मुंबई में ही रहते हैं और जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं इसी में अभी उनके बेटे रहते हैं। कादर खान जी को आखिर कौन नहीं जानता होगा। अपने अभिनय से सभी लोगों को हंसाते थे और काफ़ी पिक्चरों में मज़ा भी आता था। तो आप देख सकते हैं कि उनका रियल में घर कैसा है जहां मुंबई में वे रहते थे। ये जो आप लोग फ्लोर देख रहे हैं
इसी फ्लोर पर कादर खान जी रहा करते थे। कादर खान जी का निधन 31 दिसंबर 2018 को 81 साल की उम्र में कनाडा में हुआ था और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। जब कादर खान जी का निधन हुआ था तो उनके निधन से पूरा बॉलीवुड में गम का माहौल था। अमिताभ बच्चन, अर्जुन कपूर, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी तक ने उनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी थी। कादर खान के 3 बेटे हैं, जिसमें से उनका सबसे छोटा बेटा कद्दूस ही कादर खान का ख्याल रखता था। वो इसी बेटे के साथ कनाडा में रहते थे। कादर खान जी को फिल्मों में हास्य अभिनेता के तौर पर कई सारे अवार्ड तो मिले, लेकिन उन्हें एक बात का दुख था कि उन्होंने इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उन्हें पद्मश्री जैसे सम्मान का हकदार नहीं समझा गया। हालांकि निधन के बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तब उनके बेटे सरफराज खान ने कहा था, बहुत ही देर कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे जो कादर खान जी थे वो इसी राजकमल बिल्डिंग के सबसे फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। तो आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको उनका घर दिखाया है और उनके जीवनी के बारे में भी बहुत कुछ बताया भी है। उम्मीद करूँगा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इसी तरह से नए नए एक्टर्स का घर देखने के लिए और उनके जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्टर्स के घर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।